तो हम आज जो है इस क्लासेस में रिकॉर्डिंग कर देंगे क्या सर? रिकॉर्डिंग का परमिशन दे? कर रहा हूँ। हाँ, इसमें हम बात कर रहे हैं रेंज के बारे में। हम सीखेंगे कि वीवीए में रेंज हैंडलिंग कैसे होता है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था कि एक्सेल सीट में किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं सीट्स को, नहीं वर्कबुक को, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेंज की। रेंज पे सबसे पहले जानते हैं कि रेंज को हम कॉल कैसे करेंगे, इसको एक बार जान लीजिए। तो रेंज का कॉल करने के लिए से मैं सब यहाँ पे आरआर और ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 4i = चले 1 2, नहीं माफ कीजिएगा, मैं गलत कर दिया, सॉरी, दिमाग कहीं और चला गया था। हम बात करेंगे मुझे A1 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे रेंज A1, A1.select या एक्टिवेट। दूसरा तरीका है सेल्स 1,1.select, 1,1 सर रिकॉर्डिंग परमिशन दे देना। दे चुका हूं सर। एक आपका एक या वन मतलब पहला रो एंड पहली कॉलम, तो एक तो है आपका आ गया अल्फा न्यूमेरिक और दूसरा आपका आ गया सेल, ये हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक, आपका हो गया कि अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक हो गया, रो एंड कॉलम R1 C1 इसको बोलते हैं, उस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और एक एक्टिव सेल होता है, ये तो आपको पता ही है, और दूसरा होता है सिलेक्शन। तो ये चार तरीके हैं सिलेक्ट करने का। आपको एक पर्टिकुलर सेल पे जाना है तो इसको यूज करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक से जाना है तो इस पे करेंगे, एक्टिव सेल जो पे कर्सर है, और सिलेक्शन जो सिलेक्टेड है। सिलेक्शन में हो सकता है एक या एक से ज्यादा सेल भी हो। लेकिन मान लीजिए कि मुझे अगर सिलेक्ट करना है C4 को, अब एक्टिव मतलब मान लीजिए अगर आपने रेंज A1 लिख दिया यहाँ पे कि रेंज A1.select, तो क्या होगा, सिर्फ A1 को ही वो सिलेक्ट करेगा, वो भी एक्टिव सीट का। लेकिन मुझे C2 का A1 पे कर्सर लेके जाना है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे सीट्स और इसके अंदर में सीट का कॉलिंग मेथड कि C2.select। तो ये आपका एक्टिव फाइल के C2 का A1 पे जाके कर्सर रखेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, एक पर्टिकुलर फाइल से Book 2, Book 1 इस तरह से जाए, तो यहां पे आपको उस वर्कबुक को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहां आपका यहां पे वर्कबुक में Book 1.XLSX या XLSM जो भी उसका एक्सटेंशन है .activate, तो वो पहले वर्कबुक को एक्टिव करेगा, देन सीट पे जाएगा, देन A1 को सिलेक्ट करेगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपका कोड एक्टिव सीट पे चलना है तो इसको यूज करें, पर्टिकुलर सीट पे करना है इसको चले, इन दोनों को लिखें, और पर्टिकुलर सीट के पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर रेंज पे चाहिए, देन तीनों लिखना पड़ेगा। ये तो होगी सिंगल सिलेक्ट की बात हो गई। अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हो, मतलब कि मुझे एक एरिया सिलेक्ट करना है, A1 से लेके F10 तक सिलेक्ट करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो आपको एड्रेस पता है, तो नॉर्मली हम लोग ना सम वगैरह में लगाते हैं कि सम जो देते हैं वो मेथड ले सकते हैं A1 से F10, तो उस तरह से आप यहां लिख सकते हैं कि रेंज A1 से लेके F10 डॉट सेलेक्ट, A1 से लेके F10 डॉट सेलेक्ट। लेकिन यहां आप ये भी दे सकते हैं कि रेंज A1
comma F10. Dot select. तो ए आपका एक्सेल मेथड हो गया, ए आपका वीवी. इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन है, मतलब कि हम यहां पे कर्सर रखेंगे और शिफ्ट के साथ यहां पे कर्सर रखेंगे और डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा. तो यहां से डायरेक्ट शिफ्ट के साथ यहां पे कर्सर रखें और ये डेटा विल बी सिलेक्टेड. लेकिन मुझे चाहिए ऑटोमेटिक, जैसे मैं डायरेक्ट यहां पे कंट्रोल ए करता हूं तो सिलेक्ट हो जाता है हमारा. तो उसके लिए क्या करेंगे आप, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, ये आपका पूरा डेटा सिलेक्ट कर देगा. लेकिन मुझे पूरी सीट सिलेक्ट करनी है, यहां पे इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं तो पूरी सीट सिलेक्ट करनी है. तो यहां पे देंगे हम सेल्स डॉट सिलेक्ट, सेल्स डॉट सिलेक्ट. तो पूरे सीट को सिलेक्ट कर देगा. तो सिलेक्शन मेथड समझ में आ गया आप लोगों को. ये आपका कॉलिंग मेथड हुआ, सिलेक्ट करने का तरीका ए होता है, एक रेंज को सिलेक्ट करने का तरीका ए है, चाहे इसको देंगे कंट्रोल ए करना है तो इसको इस्तेमाल करेंगे करंट रीजन. पूरे सीट को सिलेक्ट करना है, जैसे दो बार कंट्रोल ए तो इसका इस्तेमाल करते हैं. अब बात करते हैं कर्सर मूव की. जैसे कि मैं यहां पे कर्सर है और कंट्रोल के साथ मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो यहां पे आ जाएगा, राइट एरो प्रेस करूंगा तो यहां पे, अप करूंगा यहां पे. इस तरह से कर्सर हमारा मूव होते रहता है. तो इस तरह से मूव कैसे करेंगे, तो यहां पे रेंज यहां देते हैं A1 डॉट एंड, एंड मतलब कि लास्ट में. अब यहां एंड में आपको क्या चाहिए, एक्सेल अप डाउन क्या चाहिए, जहां जिस में कर्सर ले जाना है, मतलब कि कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहां पे डाउन लिखेंगे हम. ठीक है, डाउन डॉट सिलेक्ट. आप लेक्स्ट नेट चाहिए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो यहां से अगर डाउन करते हो तो कर्सर यहीं पे आ जाएगा. आपको लास्ट में लाना है तो कर्सर आपका लास्ट में नहीं आएगा. तो लास्ट में लाने के लिए हम लिखेंगे कि रेंज A 65,000 या 10,00,000, अपने हिसाब से इसमें कोई भी दे सकते हैं आप. डॉट एंड और ये आपका आ जाएगा एक्सलेस अप डॉट सिलेक्ट. तो ये क्या करेगा कि नीचे 65,000 पे जाएगा, 10,00,000 पे जाएगा और वहां से कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करके सबसे लास्ट वाले डेटा पे आ जाएगा. तो इसमें अगर कहीं बीच में आपका ब्लैंक है तो आपका कर्सर ब्लैंक से पहले नहीं रुकेगा, सबसे लास्ट में ही रुकेगा. ठीक है सर? Yes. डाउट इसमें तो लास्ट में कर्सर. अब मान लीजिएगा लास्ट में तो कर्सर आ गया, मुझे नेक्स्ट ब्लैंक रो चाहिए, मुझे यहां पे कर्सर लाना है, तो कोड आपका बिल्कुल सेम होगा. याद रखिएगा इसमें हमें जस्ट चेंज करना, ऑफसेट लगा देना है कि डॉट ऑफसेट और यहां पे 1,0 डॉट सिलेक्ट. 1,1 क्यों, रो के लिए. तो ये क्या करेगा, कर्सर नीचे यहां पे आके फिर नीचे कर्सर एक ला देगा और यहां पे भी आपको ऑफसेट देना पड़ेगा कि 1,0 यहां पे लगा सकते हो. अगर आपको कॉलम चेंज करना है तो यहां 0 के जगह पे 1 आ जाएगा. प्लस में करोगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर माइनस में करोगे तो वो पीछे की तरफ बढ़ेगा. जैसे मान लीजिए कि यहां पे कर्सर आ गया, मुझे इससे यहां लेके जाना है तो -1, आपका कर्सर यहां पे आ गया, यहां पे आ गया तो मुझे इसको यहां लेके आना है तो भी -1 आपका कॉलम के लिए ले सकते हैं. तो रो एंड कॉलम ऊपर बैक करवाना है, पीछे की तरफ करवाना है
तो आपको नंबर्स को माइनस में देना है। तो ये ऑप्शन समझ में आया आप लोग को? मुनीत जी आपको आया समझ में? सर ये आप पहले बता चुके हैं सर। इस पहले बता चुका हूं मैं और रिकॉर्डिंग मैक्रो के साथ बताया था सर पहले तभी। चलिए तो इससे आगे का हमारा प्रोजेक्ट था फॉर्म का, वो फॉर्म का प्रोजेक्ट आप लोगों ने नहीं किया होगा? नहीं सर। ओके तो मैं आपको अभी उस फॉर्म का वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को देखिए और सेम ऐसा ही एक फॉर्म बनाइए, फिर उसपे छोटे एक स्मॉल फॉर्म आप बना के भेजिए, फिर कल उस पर कंडीशनल फॉर्म जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है? हेलो जी। जी सर जी। और कल से क्लास रेगुलर रहेगा, बीच में छुट्टियां हो गई थी हमारी, तो छुट्टियां नहीं होगी अब,